जब हम किसी को बेझिझक और बिना डरे किसी से प्यार करते हैं, तो प्यार की डोर और भी मजबूत होने लगती है। कितना भी लोगों को बुरा लगे कुछ भी हो, लेकिन प्यार की सीमा अनंत होती होती कभी रुकती नहीं है और न ही कभी थकती है। अमन भी प्रीति को टूटकर चाहता था, उसको बिना देखे रहना मुश्किल था। दोनों एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे, सुख दुख में हेल्प करते थे, लेकिन इजहार करना बाकी था। अमन को प्यार करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन कभी भी प्रीति से इजहार नहीं कर पाया। यानी प्रीति को ये तक नहीं पता था अमन उससे प्यार करता है। अमन के सब्र का बांध तब टूटा जब अमन को लगा मेरा प्यार मेरा नहीं रहा, वह तो किसी और का है। जब प्रीति की शादी तय हो गई, तो अमन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज 5 साल से अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाए और अब हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इधर प्रीति अपने हमसफर को पाकर इतना खुश थी, उसका एक झलक पाना अमन के लिए मुश्किल हो गया था। आखिरकार अब प्रीति घर से निकलना छोड़ बंद कर दी थी और अपने पति बलराम से हमेशा फोन पर चिपकी रहती। यही नहीं, प्रीति का सजना सवरना और उसके चेहरे की चमक दिन के दिन बढ़ती जा रही थी। इधर अमन अपने सच्चे प्यार के गम में इतना टूट चुका था, मानव वो जिंदा लाश बन गया है। अब करता ही क्या, सब कुछ तो खो चुका था। जब अमन ने हिम्मत जुटाकर प्रीति को बताने की कोशिश की, तो प्रीति उसकी हर बात मजाक में ले रही थी। जब उसने अपनी सारी दास्तां सीरियस में सुनाया, तो प्रीति के होश उड़ गए और फौरन दूर रहने के लिए गुस्से में बोली। और अब धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आता जा रहा था। इधर अमन की बेचैनी बढ़ चुका था, उन्होंने प्रीति से शादी के मात्र 2 दिन पहले भाग जाने का जिद करने लगा, लेकिन ऐसा होना कहां मुमकिन था। और उल्टा लड़की ने अपने परिवार वालों को बोल दिया, अब अमन के लिए एक झलक पाना मुश्किल हो गया था। आज प्रीति की शादी का दिन भी आ गया है। इधर अमन गांव छोड़कर बलराम के यहां पहुंच गया, वहां उन्होंने सब कुछ सच सच बताया। इसके बावजूद बलराम ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, लेकिन अमन को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने वापस आकर शादी के दिन ही बलराम को मौत के मुंह में उतार दिया। अब प्रीति के घर वाले पूरी तरह से घबरा गए थे। पुलिस आई, प्रीति से पूछताछ करने लगी। प्रीति ने पुलिस को अमन के बारे में सब कुछ बताया और पुलिस ने अमन को उठा लिया और थाने लाया गया, तो अमन ने अपनी गुनाह काबूल कर ली। आज अमन जेल के 4 दीवारों के बीच में बंद है। आखिर ये कैसा प्यार कि अपनी खुशियों के लिए किसी की खुशी छीन ली जाए। प्यार तो वो होता है जिसमें सब कुछ कुर्बान हो जाए।